हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं हूं रिपोर्टर सी ए के सर फ्रॉम के सी ए स्टडियो रूम, और आज की एजुकेशनल अपडेट हम लेकर आए हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज है रिलेटेड टू SPPU यूनिवर्सिटी सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी फ्रॉम महाराष्ट्र। और अगर आप SPPU के सेकंड ईयर BBA IB के इंटरनेशनल बिजनेस के अगर आप स्टूडेंट हो, तो आपकी एग्जाम की डेट आ चुकी है, टाइम टेबल आ चुका है। सो SYBBA का जो सेमेस्टर नंबर 3 का एग्जाम रहेगा वो स्टार्ट हो रहा है 3 दिसंबर से। ये स्टूडेंट्स 3 दिसंबर से एग्जाम आपका स्टार्ट हो रहा है। 3 दिसंबर को फर्स्ट एग्जाम एलिमेंट्स ऑफ HRM दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, दूसरा पेपर रहेगा इमीडिएट 4 दिसंबर को विच इज ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। उसके बाद 5 तारीख को अगला एग्जाम रहेगा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, 6 तारीख को फ्राइडे को नेक्स्ट पेपर है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, 7 तारीख को लैंग्वेज का पेपर दिया गया आपका, और 9 तारीख को लास्ट ऑप्शन सब्जेक्ट जो आपने लिया है सप्लाई चेन मैनेजमेंट या लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ये आपका एग्जाम रहेगा। पूरे इसमें एक दिन छुट्टी आ रही है विच इज 8 दिसंबर, और छुट्टी आई है बिकॉज ऑफ संडे, सो ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिलने वाला है, तो ये बढ़िया बात है भाई आपके लिए। और स्टूडेंट्स पेपर का टाइमिंग जो है सेमेस्टर नंबर 3 के लिए वो रहेगा 2 to 4:30। लेकिन आप में से अगर कोई थर्ड ईयर में जा चुके हैं लेकिन फिर भी सेकंड ईयर का सेमेस्टर नंबर 4 का कोई सब्जेक्ट आपका बैक है, तो आपके लिए याद रखना बच्चों टाइम रहेगा 10 to 12:30 PM। यस, 10 AM to 12:30, बस सुबह जाना है बैकलॉग वालों ने और आफ्टरनून में जाना है फ्रेश एग्जाम के लिए। पूरा टाइम टेबल सेम रहेगा, ऑफकोर्स मतलब डेट सेम रहेंगे, सब्जेक्ट तो ऑफकोर्स सेमेस्टर नंबर 4 वाले रहेंगे, जिसमें कि आप देख सकते हो 3 दिसंबर इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर, 4 दिसंबर को रिसर्च मेथोडोलॉजी, 5 तारीख को बिजनेस एथिक्स, 6 तारीख को MIS, 7 तारीख को आपका लैंग्वेज, और 8 तारीख को ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपने लिया हुआ है इंटरनेशनल वेयरहाउस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट या फिर इंटरनेशनल लॉजिस्टिक एंड पोर्ट मैनेजमेंट। ओके, सो स्टूडेंट्स BBA IB सेकंड ईयर BBA IB वालों, विश ऑल द बेस्ट फॉर यू एग्जाम, सी यू इन द नेक्स्ट अपडेट। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विद KK सर, टेक केयर, बाय बाय।